मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन में स्थापित की गई पुलिस क्रिकेट एकेडमी का एसएसपी अभिषेक यादव ने उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी अभिषेक यादव समय समय पर अपनी पुलिसिंग और उनके परिवार को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। अब चाहे वो उनके पुलिसकर्मियों की सेहत से संबंधित हो या फिर उनके बच्चों के भविष्य से संबंधित ही क्यों ना हो, इसी क्रम में शुक्रवार को एसएसपी अभिषेक यादव ने जनपद की पुलिस लाइन में एक पुलिस क्रिकेट अकेडमी का शुभारंभ किया, जिसमें जनपद के पुलिसकर्मियों के बच्चे ही नहीं बल्कि दूसरे जनपद से भी पुलिसकर्मियों के बच्चे यहां आकर क्रिकेट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए बाकायदा सीमित बच्चों के लिए एक हॉस्टल की भी सुविधा की गई है, जिससे कि जनपद के बाहर से आने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चे यहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकें। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में आज हमने मुजफ्फरनगर पुलिस क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में हमने मुजफ्फरनगर पुलिस क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया है और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो पर्पज है, ये पुलिसकर्मियों के बच्चों को एक बेस देने के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए। हमारा मानना है कि सभी बच्चों में टैलेंट होता है, लेकिन जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आएगा हम ये समझ नहीं सकते कि कौन बच्चा कितनी आगे तक जा सकता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम सभी मुजफ्फरनगर के, और इनफैक्ट हमने एक छोटी सी हॉस्टल व्यवस्था भी शुरू की है यहाँ पे 15 से 20 बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए। तो कहीं से भी पुलिसकर्मियों के बच्चे अगर हमारे पास जगह रही और वो आना चाहते हैं तो उन सबके लिए व्यवस्था रहेगी। और हमारे पास रणजी सिलेक्टर हैं, हमारे इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह जो इस पूरी अकेडमी को हेड कर रहे हैं। उसके अलावा हमने 3 अलग अलग कोचेज हायर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं, 12 साल तक के बच्चे और 12 से बड़े। दोनों कैटेगरीज को अलग अलग हम यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे, बेसिक प्रशिक्षण देंगे। ये फैसिलिटी का पूरा पर्पज़ ये है कि हम यंग एज में बच्चों को पहचान सकें जिनमें हमें लगता है कि बहुत आगे जाने का और भारत के लिए खेलने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का उनके अंदर टैलेंट है, और उनको फिर हम लोग आगे जो बेस्ट अकेडमीज़ हैं, जो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडिया के, वहाँ पे भेजेंगे स्पॉन्सर करा के। हमारा पूरा पर्पज़ यही है कि बच्चों को एक यंग एज में हम जज कर सकें, एक जान सकें कि उसमें कितना टैलेंट है, और उसके लिए एक बेसिक व्यवस्था उनको दे सकें। तो सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। देखिए अभी 22 बच्चों से हमने शुरुआत की है मुजफ्फरनगर में। हमने कुछ दिन पहले अपने इंटरनल डिपार्टमेंटली लोगों को बताया था कि इस तरह की व्यवस्था शुरू की जा रही है। हमारे पास 22 एंट्रीज अभी आ गई हैं, यानी 22 बच्चे हैं अलग अलग एजेस के, क्लास सेकंड से लेके क्लास 12th तक के बच्चे हैं जो आज से यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अपनी कोचिंग शुरू करेंगे। और कुछ हमारे पास इंक्वायरीज इनफैक्ट गाजीपुर तक के जनपद से भी आई है, जहाँ पे पुलिसकर्मियों को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने पूछा। तो हम अपनी, जैसे मैंने कहा, हॉस्टल व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, 2-3 दिन में वो रेडी हो जाएगी। देखिए हमारा ये मानना रहता है कि कोई भी चीज़ को अगर आपको रेगुलरली रन करना है तो उसमें आपको क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे स्टाफ के अलावा इसको लगातार चलाए रखने के लिए हम 2 से 3 कोचेस हायर करेंगे जो मुजफ्फरनगर के ही होंगे, ताकि अगर किसी तरह पुलिस का कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र हो जाता है या वो छुट्टी चला जाता है या कोई भी और आती समस्या आती है या कोई चेंज आता है, तो अकेडमी बंद ना हो, अकेडमी रुके ना। उन लोगों को जो सैलरी दी जाएगी उसके लिए एक नॉमिनल शुल्क जो हम लोग अभी फाइनलाइज करेंगे सभी बच्चों से लिया जाएगा, जो कि बहुत सब्सिडाइज्ड होगा और बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर अकेडमीज। लेकिन उसका पर्पज़ यही होगा कि जो हमारा प्राइवेट स्टाफ यहाँ पे एज़ कोचेज रखा जाएगा उनकी सैलरीज हम उससे निकालेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से सरकार पे इसका कोई ऐसा खर्चा ना उत्पन्न हो जिससे कल को अकेडमी को चलाने में समस्या आ सके।